पोको F1 एक बहुत अच्छा स्मार्टफोन है, पर फिर भी इसके अंदर काफी कमियां हैं जिसको लोगों ने काफी नेगलेक्ट किया है। तो इन सब चीजों की बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। सो हेलो नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है बी टेक पर। मैं हूं बी और आज हम बात करने जा रहे हैं पोको F1 के बारे में, क्या इसके अंदर पॉजिटिव्स है और क्या इसके अंदर नेगेटिव्स है और क्या आपको ये फोन लेना चाहिए। सो लेट्स चेक इट आउट। तो सबसे पहले मैं जल्द से जल्द इसके पॉजिटिव पॉइंट्स कवर करूंगा। ये स्नैपड्रैगन 845 का सबसे चीप डिवाइस है, मीन सबसे सस्ता डिवाइस है स्नैपड्रैगन 845 में, जिसकी परफॉर्मेंस टॉप नॉच है। इसका कैमरा अच्छा है, रियर कैमरा मुझे इसका काफ़ी पसंद आया। डिज़ाइन प्राइस के अकॉर्डिंग अच्छा है, हमें बिल्कुल ही फ्लैगशिप जैसा देखने को डिज़ाइन नहीं मिलता, बट डिज़ाइन अच्छा है और ओवरऑल एक फ़ोन हमें अच्छा मिल जाता है 21,000 रुपीज़ में। पर क्या रीजंस है जो लोगों ने इसके नेगलेक्ट किए हैं, वो कुछ इस तरह से है। तो सबसे पहले तो जो लोगों ने इसे स्प्रेड किया है कि Xiaomi ने इसे स्प्रेड किया है कि 18:9 डिस्प्ले है और साथ ही साथ काफ़ी कम बेजल्स है, तो वो जो है काफ़ी गिमिकी है। क्योंकि अगर हम देखें तो जो अच्छे अच्छे एंड्रॉयड मैनुफैक्चरर्स हैं, जो फ्लैगशिप डिवाइस में मिलते हैं, उनमें नॉच है हमारे एलिमेंट्स के लिए और जो हल्की सी चिन है वो स्क्रीन की वजह से है, क्योंकि हम स्क्रीन को फोल्ड नहीं कर पा रहे। पर इसके अंदर अगर हम चिन का साइज़ देखें तो वन प्लस सिक्स से काफ़ी बड़ी चिन है और साथ ही साथ बेजल्स भी काफ़ी बड़ी है। तो जो बेजललेस हमें कॉन्सेप्ट है वो देखने को नहीं मिलता। ये केवल कंज्यूमर्स को बताने के लिए फोटोज़ में मैनिपुलेट करके कि इसके अंदर बेजल कम है, 18:9 है, पर फोन का फॉर्म फैक्टर वही बड़ा हो जाता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसके अंदर डिस्प्ले में IPS LCD मिलती है, जबकि अच्छे अच्छे हमें एंड्रॉइड फ्लैगशिप्स में OLED डिस्प्ले देखने को मिलती है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है जिसकी वजह से हम पोको F1 को एक फ्लैगशिप में जल्दी से कंसीडर नहीं कर सकते। अगर हम OnePlus 6 से इसे डायरेक्टली कंपेयर करते हुए चले तो इसके अंदर एंड्रॉइड अपडेट्स स्लो आएंगे। मैंने एंड्रॉइड अपडेट्स कहा है, MIUI अपडेट्स नहीं कहा। इसके अंदर जो Xiaomi की MIUI है वो रेगुलरली अपडेट होती रहेगी, पर जो एंड्रॉइड अपडेट है और एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच अपडेट है वो OnePlus 6 से कंपेरेटिवली काफ़ी स्लो आएंगे, काफ़ी स्लो। और अगर इनहैंड फील की बात करें तो पोको F1 की इनहैंड फील उतनी अच्छी नहीं है, बटन्स भी हल्के से टैक्टाइल से कम है, उतने टैक्टाइल फील नहीं होते, जबकि जो बाकी फ्लैगशिप डिवाइस जैसे OnePlus 6 हो गया उसके बटन काफ़ी टैक्टाइल है और साथ ही साथ प्रीमियम लुकिंग स्मार्टफोन है, जबकि पोको F1 ना सामने की तरफ से और ना ही पीछे की तरफ से फ्लैगशिप महसूस होता है। केवल अगर आप इसे यूज़ करोगे, इसकी परफॉर्मेंस देखोगे स्नैपड्रैगन 845 के साथ, तभी आपको ये प्रीमियम लगेगा। उसके अलावा डिज़ाइन वाइज ये प्रीमियम स्मार्टफोन कहीं से भी नहीं लगता। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो भी मेरे को कुछ खास पसंद नहीं आया, केवल रियर कैमरा की परफॉर्मेंस मुझे काफ़ी पसंद आई और 21,000 रुपीज़ में बेस्ट परफॉर्मिंग स्मार्टफोन है, कैमरा स्मार्टफोन पोको F1। तो ये थे कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स पोको F1 के। अगर आपको ये नेगेटिव पॉइंट्स चलेंगे, आपको कोई ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन नहीं चाहिए और बैटरी अच्छी चाहिए OnePlus 6 से कंपेरेटिवली और साथ ही साथ परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए, तो आप इस फ़ोन को कंसिडर कर सकते हो। और जो Xiaomi ने जो डिस्प्ले का खेल करा है वो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी मोटी चेन है OnePlus 6 से कंपेरेटिवली। तो ये सारी बातें होगी पोको F1 के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहे और देखते रहिए बी टेक। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।